डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 61 ऑफ विच इज न्यू इन न्यू बुक क्वेश्चन नंबर 63 ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल. स्टेटमेंट हमें गिवन है, ऑन 31 मार्च 2014 द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ ईशा, मानव एंड दमन आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग. प्रॉफिट और ड्रॉइंग एडजस्ट करने के बाद जो 31 मार्च को कैपिटल है 320,240 एंड 160,000. मीन्स हेयर क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन 320, 240, 160. हम कौन सी कैपिटल कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग कैपिटल. ओपनिंग कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रॉफिट लेस करेंगे और ड्रॉइंग्स प्लस करेंगे. अब देखो, प्रॉफिट हमें कितना गिवन है? 90,000. ड्यूरिंग द ईयर ईशा एंड मानव ईच विड्रॉ ए सम ऑफ रुपीज 48,000. ईशा और मानव की ड्रॉइंग्स कितनी है? 48,000. एंड दमन विड्रॉ रुपीज 60,000. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रोवाइड करना है 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1. इसमें हमें यह दिया हुआ था दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स हैज बीन ओमिटेड. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग को ओमिट कर दिया, मीन्स प्रोवाइड नहीं किया. हमें जर्नल एंट्री पास करनी है. फर्स्टली वी विल कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है 320, 240, 160. प्रॉफिट लेस करेंगे, इसमें कहा था प्रॉफिट इन्होंने 90,000 डिवाइड किया. रेशियो गिवन है 3:2:1. 90,000 को 3:1 में डिवाइड किया 45,000, 30,000, 15,000 माइनस कर दिया. ड्रॉइंग्स हम प्लस कर देंगे. ड्रॉइंग्स हमें ईशा और मानव की तो सेम गिवन है 48,48. दमन की ड्रॉइंग्स गिवन है 60,000. सो ओपनिंग कैपिटल इज 3,23,000, 2,58,000 एंड 2,05,000. नाउ वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%. इसका 10% किया 32,300. 258,000 का 10% 25,800. 2,05,000 का 10% 20,500. नाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. ईशा की ड्रॉइंग्स है 48,000. परसेंटेज गिवन है 5%. ईशा ने विड्रॉ किया इन द मिडल ऑफ ईच मंथ. मैंने आपको पहले बताया मंथ की मिडल में हम कितने मंथ्स का लगाते हैं? 6 मंथ्स का. ईशा की ड्रॉइंग्स 1200. मानव ने भी सेम ऐसे ही विड्रॉ किया तो मानव का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1200. दमन ने विड्रॉ किया 60,000. 60,000 का 5% कितने मंथ्स का? कोई इन्फॉर्मेशन आ दी हो तो 6 मंथ्स का. कितना आया? 1500. नाउ ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्रोवाइड करना ओमिट हो गया, तो हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट बनाएंगे, टेबल बनाएंगे. सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, क्रेडिट करेंगे. कैलकुलेट हमने कर लिया है 32,300, 25,800, 20,500, टोटली 78,600. उसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1200, 1200, 1500, टोटली 3900. मीन्स अब हमने टोटल अमाउंट पार्टनर्स को कितना पे करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेस करेंगे, टोटल अमाउंट हमें ये पे करना है 74,700. अब देखो, फर्म ने ये अमाउंट पे करना है तो फर्म के लिए क्या है? लॉस. फर्म को इस लॉस को क्या करेगी? डेबिट करेगी. 74,700 को पार्टनर्स में डिवाइड करेगी. अब हम क्या करेंगे? देखो, टोटल ईशा को पे करना है 31,100. डेबिट कितना किया? 37,350. तो कौन सा बैलेंस एक्सेस है? डेबिट बैलेंस. सेम ऐसे ही मानव का डेबिट बैलेंस एंड दमन का क्रेडिट बैलेंस. देन एंट्री विल बी ईशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, मानव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दमन कैपिटल अकाउंट. बच्चों, नेक्स्ट सम की स्टेटमेंट गिवन है. नेक्स्ट सम है 62. न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 64 है. हमें स्टेटमेंट गिवन है ए एंड बी आर पार्टनर्स, देयर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1. द फॉलोइंग वर द बैलेंस शीट. ये बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च की. दिस मीन्स जो है हमारी कैपिटल गिवन है, कौन सी कैपिटल गिवन है? क्लोजिंग कैपिटल 6,00,000 एंड 4,00,000. असेट्स गिवन है. प्रॉफिट 4,50,000 वाज डिवाइडेड. प्रॉफिट कितना डिवाइड किया? 4,50,000. विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया और ना ही उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया. ए की ड्रॉइंग्स है 1,00,000, बी की ड्रॉइंग्स है 50,000. बच्चों, अब हमें इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल हमें ए की गिवन है 6,00,000, बी की गिवन है 4,00,000. प्रॉफिट हम माइनस करेंगे. प्रॉफिट गिवन है 4,50,000. इसको कौन सी रेशियो में करेंगे? 2:1, जो कि हमें गिवन है 3,00,000, 1,50,000. ड्रॉइंग्स हम ऐड करेंगे. ड्रॉइंग्स हमें गिवन है 1,00,000 और 50,000.
सो ओपनिंग कैपिटल 4 लाख एंड 3 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 9% गिवन है, 4 लाख का 9% 36,000, 3 लाख का 9% 27,000, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे 12%, ए की ड्रॉइंग गिवन है 1 लाख, परसेंटेज गिवन है 12%, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन तो आपने कितना परसेंट इंटरेस्ट लगाना है 6 मंथ्स का, तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना आया 6,000। सेम ऐसे ही बी का कैलकुलेट करोगे, बी की ड्रॉइंग है 50,000, परसेंटेज गिवन है 12%, कितने मंथ्स का चार्ज करेंगे 6 मंथ्स का, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बी की कितनी है 3,000। अब इन्होंने ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं किया, तो हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया, ए का 36,000, बी को 27,000, टोटल हमने कितना प्रोवाइड करना है 63, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने चार्ज नहीं किया पार्टनर से तो वो लेस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट होता है 6,000, 3,000, टोटल इज 9,000। तो अब हमने टोटल अमाउंट कितना पे करना है पार्टनर्स को 30,000 एंड 24,000 विच इज टोटल 54,000। अब ये टोटल अमाउंट पे करना है फर्म के लिए लॉस है, लॉस क्या होगा डेबिट, 54,000 को 2:1 में डिवाइड करेंगे 36,000 एंड 18,000, टोटल 54,000। अब इसमें एक्सेस बैलेंस कौन सा है, ए का क्रेडिट बैलेंस, सॉरी ए का डेबिट बैलेंस एंड बी का क्रेडिट बैलेंस, एंट्री विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ए को हम डेबिट करेंगे 6,000 से, बी को डेबिट क्रेडिट करेंगे 6,000 से, राइट 63 आपको खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 64, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एट 31st March 2015, लाइबिलिटीज गिवन है 31st March की, मीन्स ये क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ड्रॉइंग्स गिवन है, ये भी क्लोजिंग ड्रॉइंग्स गिवन है, एंड सन्ड्री असेट्स। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 24,000 वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर रेशियो, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% एंड ऑन ड्रॉइंग 6% वॉज इग्नोर्ड, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया और ना ही ड्रॉइंग्स प्रोवाइड किया। अब हमें इसके लिए क्या करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री। अब हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, ए और बी की हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 90,000 एंड 30,000, प्रॉफिट हमने डिवाइड कर दिया 24,000, प्रॉफिट 24,000 डिवाइड किया, रेशियो हमें गिवन है 3:1 में 18,000, 6,000। बच्चों हम इसमें ड्रॉइंग्स ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने ड्रॉइंग्स अब बैलेंस शीट में गिवन है, मीन्स इसका ट्रीटमेंट हम पहले कर चुके हैं। 72,000, 24,000 ये हमारी ओपनिंग कैपिटल आई। अब इसमें हमें गिवन था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड किया और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं प्रोवाइड किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, 72,000 का 5% 3,600, 24,000 का 5% 1,200, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे, ए की ड्रॉइंग्स गिवन है 12,000, बी की ड्रॉइंग्स गिवन है 6,000, 12,000 परसेंटेज गिवन है 600, इसने पहले से ही कहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6 मंथ्स का लेना है, तो कितने मंथ्स का लेंगे 6 मंथ्स का 360, बी की ड्रॉइंग 6,000 गिवन है 6%, 6 मंथ्स का कितना आया 180। अब हमें ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया, इसके लिए हम टेबल बनाएंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे 3,600, 1,200, टोटल इज 4,800, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस करेंगे 360, 180, टोटल इज 540, तो हमें टोटल अमाउंट कितना पे करना है 3,240, 1,020, टोटल इज 4,260। अब हम 4,260 को रेशो में डिवाइड करेंगे 3:1 में 3,195, 1,065, टोटल इज 4,260। अब देखो इसमें बी का डेबिट बैलेंस है, ए का क्रेडिट बैलेंस है, तो एंट्री विल बी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अब आपका आज का जो होमवर्क है आपको 61 से 65 तक क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं।